देखना है कोई किस तरह बुझाता है मेरे चराहों को, लड़ना हवा से आता है ये देखना है। सितारों को मात कर दूंगा मैं, इस जमी के सरों को चांद कर दूंगा, ये देखना है। जंग में पाई गई औरतें हमारी माँ बहनें और बेटियां हैं, और किसी भी मजहब की किताब हमारे लिए उतनी पाक और अजीम है जितनी कि हमारी अपनी मजहबी किताब। सच तो यह है कि पंजाब तक आने के बाद भी हम महफूज नहीं हैं। तुम जरा हिमायूं को काबुल जाने में उसकी मदद करो, वो ऐसा यहां से जाए कि यहां का रास्ता ही भूल जाए। अब तो हमें काबुल जाना है, शायद किसी सूखे पत्ते के नीचे हमारी तकदीर रखी हो, ना जाने कब हवा का झोंका आए और पत्ता उड़ जाए। इस बड़े मुल्क को सड़कों के जाल से इस तरह जकड़ लो कि यहां का गरीब आदमी भी नंगे पैरों से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की दूरियां कम कर सके। आजकल लोगों ने झूठ बोलना इस तरह अपनाया हुआ है जैसे कोई जानदार सांस लेता है, बगैर झूठ के उनका काम नहीं चलता। देखा गया है कि जब सवारों का मुआयना होता है तो हमारे जागीरदार सूबेदार किसी दूसरे के मांगे हुए सवारों को अपने लश्कर में शामिल करके मुआयना करा देते हैं और हुकूमत से रकम वसूल लेते हैं। लिहाजा यह फैसला किया गया है कि अब मतहत जागीरदार सूबेदारों के घोड़ों को दाग कर अपना शाही निशान बनाए जाएंगे, साथ में उसके सवार का हुलिया भी सरकारी कागजात पर दर्ज किया जाएगा ताकि मुआयने के वक्त कोई धोखा ना दिया जा सके। इसका मतलब यह हुआ सारी खबरें मालूम है अब हमारे शहंशाह को, अब क्या होगा? अब क्या होगा, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे घोड़ों पर नहीं आप पर दागा जा रहा है। दागे नहीं जा रहे तो कभी दागे तो जा सकते हैं, अब होगा क्या? सच बोलेंगे भाई, और क्या होगा। देखिए मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूं, मुझे वो लोग बेहद पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जो ईमानदार और वफादार हो, फिर चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो, जैसे आप। आप वहां दिल्ली में खुश और हम यहां पंजाब में, यही तो मुश्किल है मेरे दोस्त। तुम हमसे अलग रहकर हमारे दुश्मन के दोस्त बनकर अब खुश नहीं रह सकते। ठीक है आप हिमायूं के दोस्त थे, अच्छी बात थी, लेकिन अब हिमायूं इस मुल्क से जा चुका है भाई, आप इस मुल्क में हैं और हालात का तकाजा यह है कि अब आप हिमायूं को भूल जाएं। वाह भाई यह क्या बात हुई, हिमायूं को दिया हुआ वादा मैं भूल जाऊं? ए बादशाह वक्त, बादशाह बदलते रहते हैं मगर हम अपने वादे नहीं बदलते, वफादारी नहीं बदलते, हमारी बात पत्थर की लकीर है। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि तुम जिस जमीन पर खड़े हो उसे मैं फतेह कर चुका, इस इलाके से लेकर मुल्तान और रावलपिंडी तक सिर्फ मेरी हुकूमत है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मेरी हुकूमत में रहकर मेरे दुश्मन से वफादारी की बात करो ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा ना मेरी बात पत्थर की लकीर है, पत्थर टूट जाएगा मगर लकीर नहीं मिटेगी। तुम मेरे खिलाफ
मेरे कौम के खिलाफ कोई भी हुक्म करो, कोई भी जुल्म करो। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें नुकसान हो, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमें भी कोई नुकसान हो और साथ में इस मुल्क को नुकसान हो। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से हमारी फौजें इधर से गुजर कर अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत नहीं कर सकती। तुम रुकावटें डालते हो, तुम्हें मारकर भी तुम इस इलाके की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब तुम जिंदा भी रहोगे और हम अपने इलाके की हिफाजत भी करेंगे। आप लोग अपने घरों को जा सकते हैं, इन्हें जाने दीजिए। बहादुर कौमें अगर गुमराह हो जाएं, तो उन्हें फना नहीं करना चाहिए, उन्हें सही रास्ते पर आने का मौका देना चाहिए, अपना हम ख्याल बनाना चाहिए। हुजूर, वो हुमायूं के दोस्त नहीं, गुलाम है। गुलाम और हुमायूं कहां है? लोग जब इस बात को समझ जाएंगे कि हुमायूं अब कभी नहीं आ सकता, तो ये हमारे दोस्त बन जाएंगे। मोहब्बत के गुलाम, ये मसला जुल्म और ज्यादती से नहीं तय हो सकता, इसे इसी तरह तय करो। जहां हम खड़े हैं इसी जगह पर एक मजबूत किला बनाओ, जिससे कि इन्हें हमारे वजूद पर यकीन आ जाए। और दूसरे ये कि यहां से हिंदुस्तान में घुसने वाले दुश्मनों को हिंदुस्तान के ही दरवाजे पर रोका जा सके। देखता हूं कि यहां किला कैसे बनता है। हमारी इतनी ताकत तो नहीं कि हम तलवार की जोर के किले को बना सकते। अक्ल की ताकत तो है या मेहती की ताकत तो है। अगर हम एक होकर एक फैसला कर लें कि हमारे कबीले का एक भी फर्द वहां मजदूरी नहीं करेगा, तो क्या तुम समझते हो कि बगैर मजदूर और मेहमान के किला बन जाएगा? मैंने तुम्हें किला बनवाने का काम इसलिए सौंपा था कि मैं तुम्हें होशियार, तजर्बेकार और एक बहादुर सरदार समझता था। जिस कीमत पर किला बन सकता था उसका अंदाजा करके उसकी मंजूरी तुम्हें दी जा चुकी है। लेकिन अब यह किला मुझे पेश कीमत लगता है, इसलिए इसकी कीमत हम उस वक्त तय करेंगे जब यह बनकर तैयार होगा। अभी तो जितना लगे लगाओ, कुछ हिकमत अमली दिखाओ, बस अब अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास ना आना। यह बताने आना कि किले की तामीर शुरू हो गई है और किला बनकर तैयार हो गया है। क्या हुआ सरकार, कुछ परेशान है? मुझे किला चाहिए बस। क्या हुआ सरकार, कुछ परेशान है? मैंने कहा ना, मुझे किला चाहिए बस। सुनो सुनो सुनो, मुल्क खुदा का, हुक्म बादशाह शेरशाह का, हर खास आम को इतला दी जाती है कि जो शख्स किले की तामीर के लिए पत्थर लाएगा उसे फी पत्थर एक अशर्फी मजदूरी दी जाएगी। चल यहां बैठ कर। चलो भैया। अरे यार, सुना तुमने? क्या? एक अशर्फी? अरे बाप रे, इतनी ज्यादा? यार हमने तो अशर्फी देखी भी नहीं है। यूं ही बक रहे हैं, भला इतनी मजदूरी कौन देगा? एक पत्थर ले चलकर देख लेते हैं कि इसमें कितना सच है। हाँ यार, ये ठीक रहेगा, मगर सरदार को मालूम पड़ेगा तो? अरे नहीं नहीं, अंधेरे में चलेंगे चोरी से। अरे कौन लोग बैठे हैं? अरे सिपाही लोग हैं, पहरा दे रहे हैं। तो सिपाही क्या बैठ के पहरा देंगे हैं?
उधर ढेर में पत्थर डालो और यहां आकर बैठो। अशरफी लेने के लिए एक एक आदमी खेमे में जाएगा और अपनी अशरफी लेगा। अरे यार, यहाँ तो एक खिलकत ढेर लगा है, बेकार में रात को आए। यार मानो ना मानो, एक अशरफी में बहुत ताकत है, अब देखना सबके सब खुलेआम चले आएंगे। चलो अशरफिया लेते हैं। मजदूरी धीरे धीरे घटाओ, अशरफी से एक दाम, फिर 10 टका और बाद में वही एक बहलोली सिक्का। अब समझो बन गया किला। अरे सुनती हो, कहाँ हो? हम ही यहाँ हैं। हाँ कहो। एक तो बड़ी मुश्किल ये है कि तुम्हें पुकारा किस नाम से जाए। ये सुनती हो, भला ऐसे कब तक चलेगा ये? अपने पड़ोसी को देखो, 4-4 बेटुआ हैं, अपनी पत्नी को किसी भी एक बेटे के नाम से पुकार लेता है, और यहाँ अभिन तलक सुनती हो। अरे बस बस बस, धोती के उस पहाड़ी खड़े रहो। तू काहे? ये हमारा अंगनाई थोड़ी ही है, मोहल्ले की अंगनाई है, और कहीं दीवार सलामत है? बस हम मान लिया दीवार है तो है, दीवार नहीं है तो कहाँ है? दीवार का कहाँ है, बस इको गंजे की खोपड़ी समझो। सच्ची बाल गायब, पता नहीं मुंह कहाँ तक है, सर कहाँ से शुरू, ठीक वैसन अपनी अंगनाई कहाँ तक है और सड़क कहाँ से शुरू, दीवार गायब। अच्छा अच्छा, अब नहाने दें। अच्छा, हम तकाजे पर जा रहे हैं। ये अपना ससुर झंझोटी भुगतान ही नहीं कर रहा, एक बार भुगतान हो जाए तो तुम्हारे लिए नहाने की जगह बना दें। उधर कोने में एक लंबी सी दीवार खिंचवा दें, चारों तरफ से समझो एक तरह से खुले ही हैं। हमारी परी नहाएगी तो कोई देव उड़ा के ले गया। अब ढेर ना बकबकाएं, हमारा बादशाह शेरशाह है, ऐसे वैसे देव तो कब्रिस्तान में पड़े सो रहे हैं। ये बात भी ठीक। अच्छा, हम उधरी से दुकान लौट जाएंगे और आकर दोपहर में खाना खाएंगे। घुसी बैठी है, अंधेरे में ही मरना है, ऐसे जीने पे दिक्कत, हमारा दुनिया अंधेर हो गई। आखिर भया क्या? ये क्या? यही फिर के जो है जब हम नहाते थे। कौन? आदिल खां, घोड़े पर से फेंक के है। आदिल खां कौन? अपने बादशाह के बिटुआ? आखिर क्या समझा है वो? यहाँ कोई पतुरिया रहती है, बादशाह को बताना होगा। अभी इस वक्त उनका दरबार लगा है। क्या वो अपने बेटे की शिकायत सुनेंगे? क्या सजा देंगे उसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू गम ना कर, तू इज्जत से जिएगी, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा।
अब आप जाएं, आपके बेटे के कातिल को जरूर सजा मिलेगी और हमारे उन अहलकारों को भी सजा होगी जिनकी सुस्ती और कायली की वजह से ये कत्ल हुआ। आप जाएं बाबा। ए मेरे बादशाह, मैं मिट गया, मैं तबाह हो गया, मेरे अन्नदाता। इसे आने दो, ये आम दरबार है, ऐसे ही फरियादियों के लिए है, आने दो इसे। क्या जुल्म हुआ तुम पर जो ये क्या है? ये तो सूखा हुआ पान का पीड़ा है। ऐ मेरे बादशाह, हम टूटे फूटे मकानों में रहने वाले हैं, हमारी औरतों के पास नहाने के लिए हमाम नहीं है, वो तो खुले आसमान के नीचे किसी तरह पर्दा करके नहा लेती है, सारी दुनिया उनकी लाज रखती है, मगर आज एक अमीर के बेटे ने मेरी नहाती औरत के ऊपर ये बीड़ा फेंक कर हिंदुस्तानी लाज और हमारी गरीबी की धज्जियां उड़ाई हैं। कौन है वो बेगैरत? जब आपको उसका नाम पता लगेगा तो आपके इंसाफ का ये महल चकनाचूर हो जाएगा। ये इंसाफ का महल अल्लाह के हुक्म से तामीर हुआ है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत इसे चकनाचूर नहीं कर सकती। उस बेगैरत का नाम तो बताओ, इंशाअल्लाह इंसाफ ही होगा। आदिल खान। कौन? आदिल खान? आपका बेटा, बड़ा बेटा, आपकी पहली औलाद। यकीन कर तेरे साथ इंसाफ ही होगा। अगर ये मामला सही साबित हुआ तो इस मामले की फौरन जांच की जाए, ये भूल कर कि आदिल खान मेरा बेटा है। उस्ताखी माफ हो आलमपना, जांच और तफ्तीश की कोई जरूरत नहीं है आलमपना। मैं आदिल खां अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। हां, मुझसे नादानी में यह शर्मनाक हरकत हुई है। अरे बदबख्त, कम से कम अपने नाम की लाज रख ली होती आदिल। तेरा ये नाम मेरी मां ने रखा था, तेरी दादी ने। वो ये समझती थी तो खूब इंसाफ करेगा। क्या ये इंसाफ है तेरा? अपनी रियाया की बहू बेटियों की इस तरह हिफाजत करेगा तो? मैं शर्मिंदा हूं, आपकी दी हुई हर सजा मुझे कबूल है। ए फरीदुद्दीन, ए अबुल मुजफ्फर, आप इस मुश्किल लम्हे को भी फतह कर लेंगे। मैं ये फरियादी और सारी दुनिया आपके फैसले की मुंतजर है। आदिल खां, तुमने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम्हें बाइज्जत परी कर दिया जाएगा। जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं, उनकी अपनी भी कोई इज्जत नहीं। मां बदौलत का युग में कि जिस तरह आदिल खान ने इस फरियादी की बीवी पर पान का पीड़ा फेंका है, उसी तरह अब ये फरियादी भी आदिल खान की बीवी पर पान का पीड़ा फेंकेगा। मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे इंसाफ मिल गया है। आप मेरे शहजादे को माफ कर दीजिए, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। इस फरियादी की फरियाद सुन ली जाए आलमपना। खुश हो कि तेरा बादशाह आज इंसाफ से शर्मिंदा नहीं है। हमारे बादशाह का ख्याल है कि राजपूताना पर कब्जे के साथ साथ बुंदेलखंड में कालिंजर पर भी हमारी फतेह जरूरी है। हाँ, किला काफी मजबूत भी है और अहम मुकाम पर भी, वहां से ही हम कभी ना कभी इंशाअल्लाह दक्कन भी पहुंच सकते। सच तो यह है कि कालिंजर का किला मिलने से ही हम मजबूत होते हैं, और ये बातें अहम भी हैं। बयार इतना ही नहीं कि वहां के राजा
किरत सिंह ने हमारी इतायत कबूल नहीं की। सुना जाता है कि वो उन्हें पनाह दे रहे हैं जो मुगलों को पसंद करते हैं। कलिंजा के किले को तो हम चुटकियों में फतेह कर लेंगे, बस हुक्म की देरी है। आलम पनाह बुंदेलखंड के दौरे से वापस आ गए हैं। इलाके का दौरा करने के बाद वो कालिंजर पर हमले का फैसला करने वाले थे। कलिंजर के आसपास के माहौल और इलाके के मुआयने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम कलिंजर के किले पर हमला कर सकते हैं। हम सब तैयार हैं आलीजान। मेरा बेटा जलाल खान रास्ते में ही कलिंजर के राजा कीरत सिंह तक पहुंचने वाली हर मदद को काट देगा। अपनी फौजों को हुक्म दें कि वो सुबह होते ही कूच करें। अलीजान, किले में अब ज्यादा गोला बारूद नहीं है। हाँ, मगर उसकी कमी फसील पर जमाए गए बड़े बड़े पत्थरों से पूरी हो जाती है। किले की ऊंचाई देखते हुए ये पत्थर हमारे तोप की गोलों से ज्यादा कारामद साबित होंगे। लेकिन अलीजान, किला चारों तरफ से बहुत ऊंचा है, बहुत चौड़ा है, कम से कम 2 कोस में बना होगा। दीवार तक पहुंचने का कहीं से रास्ता नहीं। बीच में पहाड़ियां हैं या तो बहुत चौड़ी खंदक खोद रखी है। फसील पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं? जी नहीं आलीजान, मोर्चा बंदी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वो भी पहाड़ी की ढलान से तिरछा होकर दक्षिण पूरब की ओर जाना पड़ेगा। वो रास्ता तंग है, ना हमवार है और झाड़ियों से भरा हुआ है। ढाल बहुत है क्या? जी आलीजान। इसका मतलब है तोप खाने को फसील तक पहुंचाने के लिए कदम कदम पर लड़ाई लड़नी होगी। वो जो किले के बराबर लकड़ी का एक बुलंद मीनार बनाना था, उसका क्या हुआ? वो तैयार है आलीजान, वहां उस तरफ। ठीक है, अभी तो किले को चारों तरफ से घेर लो और उस वक्त तक घेरे रहो जब तक किले की रसद ना खत्म हो जाए। जी आलीजान। हमारे हथगोले तैयार हैं। मैं तो भूल ही गया था, तुम अपनी जबान समझते हो। हुक्का पुरज आतिश, हुक्का पुरज आतिश। आलीजान, किले के चारों तरफ जगह जगह हथगोले रखा दिए गए। ठीक, मैं पहला हथगोला फेंक कर हमले की शुरुआत करूं। कैसे है आलीजा? किला चल। जी आलीजा। हमने किला फतेह कर लिया आलीजा। Shut up.
जी आलिशा। इस मकबरे में दफन होने से पहले मैं शेरशाह बन चुका था। नहीं तो मैं इस मुल्क का एक मामूली सा पठान फरीद खान था। मेरे अल्लाह ने, मेरे सिपाहियों ने और मेरे आवाम ने मुझ जैसे मामूली आदमी को एक काबिले जिक्र बादशाह बना दिया। ये दूर बहुत दूर तक फैली हुई जमीन सबकी है और किसी की नहीं। जब कोई कहता ये जमीन मेरी है तो जमीन हंसती है, लेकिन कदीम हिंदुस्तानी किताबों में ये सच भी लिखा हुआ है, मैं धरती का बेटा हूं, धरती मेरी मां है।